Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, second year student. आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है. तो एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है. देखिए यहाँ पे एक आइसोलेटेड चार्ज है, ये स्पेस में पड़ा है Q. इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलते हैं. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E is equal to F by Q. अब पॉइंट A पे एक चार्ज पड़ी हुई है Q नॉट, इसको मैंने नाम दिया है टेस्ट चार्ज. अब ये टेस्ट चार्ज हम पॉइंट ए से लाते हैं पॉइंट बी की तरफ. तो जब हम ये पॉइंट ए से बी की तरफ लाएंगे तो यहां पे इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो हमें इसके खिलाफ वर्क डन करना होगा. तो यहां पे अगर हम देखें तो पॉइंट ए पे हमारे पास क्यू से जो रेडियस है वो है आर ए. इसी तरह वन पॉइंट का जो रेडियस है वो है आर वन, टू का है आर टू, थ्री का है आर थ्री एंड सो ऑन, आर का है आर फोर. इसी तरह एन का होगा आर बी आर एन और बी का है आर बी. अब ए और वन पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा आर, और ये बराबर होगा आर ए माइनस आर वन. अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट व्हिच लाई एट इनफिनिटी टू अनदर आइसोलेटेड चार्ज, सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द पॉइंट एट विच द पोटेंशियल टू बी फाइंड व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है की क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अब वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अब हम इसको प्रूफ करते हैं. तो प्रूफ के लिए देखिए हम कह सकते हैं कि व्हाट इज वर्क. तो सबसे पहले मैंने वर्क करना है फ्रॉम ए टू वन. सो यहां पे वर्क फ्रॉम ए टू वन. अब हम जानते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा. अब यहां पे वर्क फ्रॉम ए टू वन हमारे पास बराबर है एफ डी. अब यहां पे डी की जगह हमने पुट करना है डेल्टा आर कॉस थीटा से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर वन. अब यहां पे हम लिखेंगे माइनस. अब हम माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा था आइसोलेटेड चार्ज की तरफ लाना है, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है कि इसके दरमियान फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है. अब हम अगेंस्ट ला रहे हैं, तो जब हम ये चार्ज इस चार्ज के अगेंस्ट लाएंगे तो इसके दरमियान जो एंगल होगा दैट इज हाउ मच 180 डिग्री. तो वर्क फ्रॉम ए टू वन हमारे पास बराबर है माइनस
एफ डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री। अब हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वन। तो वर्क फ्रॉम ए टू वन हमारे पास बराबर हो गया माइनस एफ डेल्टा आर, बिकॉज कॉस 180 डिग्री माइनस, तो ये क्या बना, प्लस वन। अब हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे हमारे पास जो एफ है दैट इज एफ इज इक्वल टू व्हाट, ई क्यू नॉट। अब यहां पे वर्क फ्रॉम ए टू वन बना, एफ की जगह हमने लिखना है व्हाट, ई क्यू नॉट इनटू डेल्टा आर, से दैट इज माय इक्वेशन नंबर टू। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो पॉइंट ए पे चार्ज पड़ी है क्यू नॉट, पॉइंट बी पे है क्यू, और इसके दरमियान अगर हम डिस्टेंस आर रख के, सो हमने पढ़ा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हमारे पास रिलेशन था, रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास रिलेशन है ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम पुट करते हैं से दैट इज माय इक्वेशन नंबर थ्री। तो पुट इक्वेशन नंबर थ्री, पुट इक्वेशन नंबर थ्री एन टू। तो हमने यहां पे देखे वर्क फ्रॉम ए टू वन हमारे पास आ गया, ई की जगह हमने पुट करना है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, और यहां पे है क्यू नॉट, और डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास है व्हाट, आर ए माइनस आर वन, आर ए माइनस आर वन। अब वर्क फ्रॉम ए टू वन के क्यू नॉट क्यू आर ए माइनस आर वन डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए यहां पे इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम ए टू वन इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू यहां पे आर ए माइनस आर वन। अब यहां पे आर स्क्वेयर का मतलब है आर आर, तो यहां पे हमने वर्क मालूम करना है फ्रॉम ए टू वन, तो यहां पे एक आर के साथ हम ए लिखेंगे, दूसरे के साथ वन। तो वर्क फ्रॉम ए टू वन के क्यू नॉट क्यू हम स्प्लिट कर सकते हैं कि आर ए आर ए आर वन माइनस आर वन आर ए आर वन। अब यहां पे देखिए वर्क फ्रॉम ए टू वन इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू, ये कैंसल हुआ तो क्या बचा, वन बाय आर वन, आर वन आर वन यहां पे कैंसल, तो वन बाय आर ए। तो यहां पे अगर हम देखे तो हमारा, हमने जो चार्ज पे वर्क किया क्यू नॉट पे क्यू की तरफ लाने में जो कि वो इन्फिनिटी पे पड़ा था, तो ए से लेकर वन तक हमने जो काम किया वो है के क्यू नॉट क्यू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर ए। अब सिमिलरली वर्क फ्रॉम, ये था वर्क फ्रॉम ए टू वन, अब वर्क फ्रॉम वन टू टू, सो वर्क फ्रॉम वन टू टू होगा के क्यू नॉट क्यू वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। इसी तरह वर्क फ्रॉम टू टू थ्री, सो वर्क फ्रॉम टू टू थ्री वो होगा के क्यू नॉट क्यू वन बाय आर थ्री माइनस वन बाय आर टू एंड सो ऑन। वर्क फ्रॉम एन टू बी क्या होगा, वर्क फ्रॉम व्हाट, वर्क फ्रॉम एन टू बी, तो वर्क फ्रॉम एन टू बी
हमारे पास होगा के क्यू क्यू नॉट 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर एन। तो ए से लेकर बी तक हमारा टोटल वर्क कितना होगा? नाउ टोटल वर्क हमारे पास होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू 1 प्लस वर्क फ्रॉम 1 टू 2, वर्क फ्रॉम 2 टू 3 एंड सो ऑन, वर्क फ्रॉम n टू b। अगर हम इसमें देखें ना तो सब में हमारे पास जो कॉमन नजर आता है वो है वट के क्यू नॉट क्यू, ये कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर ए। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है प्लस 1 बाय आर 2 माइनस 1 बाय आर ए। अब यहाँ पे हमारे पास है वट, हमारे पास है प्लस 1 बाय आर 3 माइनस 1 बाय आर 2 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे देखे तो वो होगा प्लस 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर एन। अगर हम यहाँ पे काट ले तो देखिए हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास क्या है माइनस है, ये हमारे पास प्लस है और हमारे पास माइनस। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास आ गया के क्यू नॉट क्यू, यहाँ पे बचा 1, ये है माइनस 1 बाय आर ए और वो क्या है 1 बाय आर बी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखिए हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है के क्यू नॉट क्यू 1 बाय आर बी 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय, अब ए वो पॉइंट था जिस पे चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा था तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी। तो देखिए टोटल वर्क इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू डिवाइड 1 बाय आर बी, क्योंकि ये क्या हो इन्फिनिटी पे जो चीज भी डिवाइड किया जाए वो जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है के क्यू नॉट क्यू 1 बाय आर। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया वो है के क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर, ये हमारे पास हो गया चलो इक्वेशन नंबर ए। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के टेस्ट चार्ज को और आइसोलेटेड या सोर्स चार्ज की तरफ लाते हैं तो हम इतना वर्क करते हैं के क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर। अब हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए रिलेशन, सो वी नो दैट पोटेंशियल क्या होता है। देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से और ये बराबर होता है इसके वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे ये है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो हमारे पास ये कौन सा वर्क है, ये है टोटल वर्क दैट इज व्हाट क्यू। वी इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारे पास बराबर है के क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया व्हाट, यहाँ पे हमारे पास है टोटल वर्क क्या है, ये हमारे पास है क्यू, तो क्यू क्यू कैंसल, सो वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये स्टूडेंट ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी है, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।